मुंबई का अब रुख करेंगे, जहां कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि जल्द ही यह शहर दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है। दुनिया के दूसरे तमाम बड़े शहरों ने बहुत हद तक कोरोना पर काबू पा लिया है, लेकिन मुंबई में हालात हाथ से फिसलते दिख रहे हैं। रात के 12 बजे जिस मुंबई में दिन निकलता था, वहां आज जिंदगी के चेहरे पर बेनूरी के 12 बजे हुए। कोरोना ने शहर के चप्पे चप्पे पर अपने ऐसे पांव जमा लिए हैं कि यह शहर अपने चौवे पर खड़ा होकर झांकता है कि कब ये कोरोना उसकी गलियों को छोड़कर जाएगा। 30,000 से ज्यादा कोरोना के मामले मुंबई को ही नहीं, अब देश को भी डराने लगा है। लेकिन सरकार कह रही है कि डरो मत। सबसे पहले तो नंबर्स से डरने की बात नहीं होती, क्योंकि जब भी एपिडेमिक होता है या कम्युनिटी स्प्रेड होता है, तब जितने नंबर्स आप ढूंढ सको, आइसोलेट कर सको और फिर उनको ठीक कर सको, मुझे लगता है उसमें सक्सेस होती है। नंबर्स कम है ज़्यादा है इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें उन लोगों तक पहुँचना जरूरी है। तो वो हमारे सारे वार्ड ऑफिसर्स कर रहे हैं, सारे हेल्थ ऑफिसर्स कर रहे हैं। डरना कोई कोरोना का समाधान नहीं है, लेकिन मुंबई सिर्फ देश का ही सबसे बड़ा कोरोना शहर नहीं है, बल्कि दुनिया का नंबर वन शहर होने की दिशा में बढ़ चुका है। अभी रूस की राजधानी मॉस्को के बाद मुंबई दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट शहर है, लेकिन जिस रफ्तार से यहां कोरोना बढ़ रहा है, इसमें जल्द ही ये मॉस्को को भी पीछे छोड़ देगा। 1 मई को मुंबई में कोरोना के 7,625 मामले थे, जो आज 31,972 हो गए हैं, यानी 4 गुना से भी ज्यादा। मुंबई और मॉस्को दोनों बराबर आकार के शहर हैं। मुंबई में 16 मई को नए केस 884 आए, जबकि मॉस्को में 3,505। वहीं 22 मई को मुंबई में केस बढ़कर 1,751 हो गए, जबकि मॉस्को में घटकर 2,988। 16 मई को जहां मुंबई में कोरोना की ग्रोथ रेट 4.81% थी, वो 22 मई को बढ़कर 6.47% हो गई, जबकि मॉस्को में 16 मई को ग्रोथ रेट 2.52% थी, जो अब घटकर 1.89% हो गई। ये लक्षण बताते हैं कि जल्द ही मुंबई कोरोना के बढ़ते मामलों में मॉस्को को भी पीछे छोड़ देगा। आलम यह है कि महाराष्ट्र सरकार के अब तक 2-2 मंत्री कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए जब न्यूयॉर्क में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर कहा जाता था कि ये नया वुहान है, लेकिन कोरोना को न्यूयॉर्क ने कब का पीछे छोड़ दिया। अगर न्यूयॉर्क से तुलना करें तो मुंबई में 1 मई को नए मामले 751 थे, जबकि न्यूयॉर्क में नए मामले 1871, लेकिन 22 मई तक वहां नए मामले 202 पर गिर गए और मुंबई में बढ़कर 1751 पर पहुंच गए। न्यूयॉर्क ने तो बहुत हद तक कोरोना पर काबू पा लिया, लेकिन मुंबई की किस्मत में वैसे अच्छे दिन अभी आए नहीं है। वैसे सरकार का दावा है कि जून के पहले हफ्ते तक मुंबई में 9,000 बेड तैयार कर लिए जाएंगे, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में भी 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए होंगे। वो तो पहले से रहा है, जितने हम बेड्स बनाए उतना कम पड़ते हैं, क्योंकि हमारे देश की तो आबादी काफी बड़ी है, लेकिन जितने भी हम बफर बेड्स कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि पहले फेज में 9,000 बेड्स कर रहे, वो भी काम शुरू। मुंबई से महाराष्ट्र चलता है, लेकिन उससे आगे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। ऐसे में कोरोना से दिन पर दिन मुंबई के बिगड़ते हालात समूचे देश के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। सौरभ अक्तानिया इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। सौरभ, आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि नंबर्स पर ध्यान देना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, उनका इलाज किया जाए, बफर बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन ये भी किसी से छिपा नहीं कि जल्द आंकड़ों के मामले में मुंबई मॉस्को को पछाड़ देगा, और यही नहीं, अब इसे भारत का नया न्यूयॉर्क कहा जा रहा है। बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि
पहले अगर एक हफ्ते पहले की बात करें तो जिस तरीके से 1100 1200 के हर दिन मामले नए सामने आ रहे थे, लेकिन अब है 1400 1700 1800, कुछ दिन पहले तो 1900 मामले एक ही दिन में सामने आए थे। अब लगातार जिस तरीके से अलग अलग जगहों पे जो बेड्स की फैसिलिटी बनाई जाए, जैसे महालक्ष्मी रेसकोर्स हो गया, मुंबई का सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर नेस्को हो गया, MMRDA ग्राउंड हो गया, अब ये भी कम पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितने जो पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं अब वहां पर उनको बेड्स नहीं मिल रहे। हम लगातार देख रहे हैं कि अस्पताल के बाहर जो पेशेंट्स की जो भीड़ है, लंबी लाइन है, वो बढ़ती जा रही है। जो जो मेडिकल फैसिलिटी में काम करते हैं, जैसे कुछ ही दिनों पहले चेंबूर के एक डॉक्टर की मौत हो गई और उनको 10 घंटे तक बेड नहीं मिला, तो ऐसे हालात अब होते जा रहे हैं अभी। और ये जो संक्रमण है, जो कोरोना वायरस है, वो उससे कोई बचा नहीं है, चाहे वो मुंबई पुलिस हो, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो। कल करण जौहर ने भी ट्वीट किया कि उनके घर पे जो दो हाउसमेट थे उनको कोरोना वायरस हुआ है, उसके बाद करण जौहर उनके पूरे परिवार ने जो है वो पूरा टेस्ट कराया, वो नेगेटिव आया है, लेकिन सेल्फ आइसोलेशन में वो सभी लोग चले गए हैं। तो कोरोना वायरस से कोई छुपा बचा बिल्कुल नहीं है मुंबई में। और अब एक आपको बड़ी बात बता दें कि बड़े बड़े जो मल्टीप्लेक्स है, जो स्टूडियोस है जहां पे फिल्म की शूटिंग होती है, उनको भी COVID-19 फैसिलिटी में बदलने की कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा बेड्स बन सके। तमाम जानकारी के लिए आपका